हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है, नाम तो आपने सुने होगा, नाम लेकर रखा है। तो गाइस, यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड लेकर आ रहा हूँ, देखिए। और भाई, कार्डबोर्ड क्यों लेकर आऊँ ये मैं आपको जस्ट अभी बता दूंगा, प्लीज बने रहिए। गाइस, मैं गया था मार्केट चिमनी लेने गया था मैं मार्केट, पता नहीं क्या मेरे मुंह से निकल रहा है। तो फ्रेंड्स भाई, काफी कॉस्टली भाई, बहुत महंगी चिमनी मिल रही थी। तो गाइस, मैंने सोचा भाई तो बहुत सस्ते जुगाड़ बन जाएगी, 100% वर्थ होगी। फ्रेंड्स, चिकन माने चिकन किचन की चीज से ही हम चिमनी बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। भाई मेरे मुंह से निकल रहा, पता नहीं क्या कहा चीज बनाने में। तो फ्रेंड्स, यकीन माने भाई, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। प्लीज दोस्तों, वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो पर। चलिए, समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई, मैंने कार्डबोर्ड क्यों लिया है, चले गाइस वो देख लेते हैं। देख गाइस भाई, आपको पता है चिमनी तो मैं मेटल की ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि भाई कार्डबोर्ड की तो वैसे भी काम नहीं करेगी, भाग लग जाएगी। तो भाई, इससे मैं बनाने वाला हूँ फ्रेम चिमनी का। सपोज कि फ्रेंड्स, मैं कोई भी मेटल लेता हूँ चिमनी बनाने के लिए, तो भाई अगर मैं इससे फ्रेम बना लूंगा तो फ्रेंड्स, तो एक स्मार्ट वर्क होगा, उसमें अच्छी फिनिशिंग आएगी, जैसा मर्जी हम शेप उसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चले गाइस, फटाफट पहले इसके मटेरियल पर आते हैं, और पहले मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। तो चले गाइस, चलते हैं पहले मटेरियल पर। तो गाइस, यहाँ पर कुछ कनस्तर आप देख सकते हो, ये कुछ मेरे घर के हैं, कुछ मैं बाहर से लेकर आ जाता हूँ जितना मुझे मिलता है। तो भाई, आराम से 15-20 रुपये का आपको मिल जाएगा, घर का तो फ्री का से पड़ेगा। तो भाई, मैं इनमें से कोई भी एक या दो ले लेता हूँ, देखते हैं कितने लगते हैं। तो भाई, ये हमारे दो अनमोल रतन, एक राम और एक लखन। वैसे इसके लखन ठीक ना आजकल देखा जाए तो भाई, मैंने आपसे कहा था किचन की चीजों से ही हम बनाने वाले हैं चिमनी। अच्छा हुआ चिकनी ने मेरे मुंह से निकला। तो फिलहाल मैंने साइड रखता हूँ, अब आपको पता है कि फ्रेंड्स, हम मेटल कौन से यूज करने वाले हैं। ये लगभग फ्रेंड्स फ्री का सा ही पड़ता है, तो दिक्कत आपको है ही नहीं भाई, कोई भी मेटल की शीट की जो भी। तो भाई, इसका हम बनाने वाले हैं फ्रेम। तो वीडियो काफी फास्ट होने वाली है, और आपको मैं बाद बता दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम ज्यादा लंबा हो जाएगा, समझा करो तुम, समझा, ठीक है। चलिए, फटाफट बना लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने दो फ्रेम कट कर दिए हैं। देखिए, ये तो बैक साइड है, और ये इस साइड का और इस साइड का, इससे दोनों यानी कि एक फ्रेम से दोनों साइड कट जाएंगी। चले गाइस, फटाफट इसकी डायमेंशन आपको बताता हूँ मोटा मोटी। देखिए, यहाँ से आता 14 इंच इसकी लेंथ है, 14 इंच, यहाँ से ऊपर 2.5 इंच और 2.5 इंच, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख सकते हो, ये ली फ्रेंड मैंने 6 इंच, या 6.5-7 इंच आप ले सकते हो। और देखिए, यहाँ से यानी कि 14 तक पूरा, जैसे ये 14 है मिड पॉइंट निकाला 7 का, और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे इधर लगाया मार्क, इधर लगाया बस, इससे यहाँ पे 2.5 इंच पर देखिए यहाँ पे टेप दे दिया इस जगह से, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और ये पूरा 1 फीट, और आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो भाई, तो होम मेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दूसरी साइड पर, देखिए ये 10.5 इंच, 2.5 इंच, पूरा 10.5 इंच है, ठीक है। देखिए, यहाँ से आते 7.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और पूरा 12 इंच, 12 सेंटीमीटर सेम है। और यहाँ पर देखिए, ये 1/2 इंच का मैंने पूरा एक तरह का देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, ये फ्रेंड्स मुड़ने के बाद इस पर लगने का काम आएगा, ये मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ 1/2 इंच। तो यहाँ पर फिलहाल दो फ्रेम मैंने कट किए हैं, अभी एक तीसरा फ्रेम और कट होगा, जो कि फ्रंट टॉप को। अब आते हैं मस्त कनस्तर पे। तो गाइस, फटाफट मैं इनका कट करके शीट बना लूंगा। मैंने काफी वीडियो बताया था शीट कैसे बने देते हैं, फिर भी चलिए फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं। तो लीजिए गाइस, देखिए थैंक्स टू फ्रेम भाई। तो देखिए, यहाँ पे ये दो फ्रेम कट गए हैं, और भाई कट गया ये फ्रेंड्स, आप जानते हो भाई, जो कनस्तर होता है इसकी इतनी ऊंचाई नहीं होती, 12 या 13 अप्रॉक्स होती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक जोड़ लगा दिया है, और जोड़ इतना पता नहीं लग पा रहा, काम पूरा करेगा, देखिए निकलेगा भी नहीं। तो भाई, ये तो हो गया कम्प्लीट। और अब इन फ्रेम करना क्या है, इन फ्रेम का कुछ नहीं करना, रोटी वोटी बना सकते हो, कच्चे वच्चे तल सकते हो। चलिए, अब फटाफट भाई इन्हें यहाँ पर जोड़ते हैं। और इन्हें जोड़ने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि देखिए, यहाँ पर 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, मैं इसे थोड़ा सा बेंड कर दूंगा, और इस तरीके से लग जाएंगे। यहाँ पर इन्हें रोकने के लिए आप तो नट बोल्ट, जो कि छोटे छोटे 1/2 इंच के नट बोल्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर यह रिवेट जो कि एल्युमिनियम का है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। हम फिलहाल इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये परमानेंटली इसे खोलना तो है नहीं, तो हम इसका यूज़ करके इन्हें परमानेंटली बिल्कुल ठुकाए कर देंगे। तो लीजिए गाइस, ये इतना बनकर तैयार हो गया है, और बिल्कुल चिमनी जैसा लुक भी दे रहा है। देखिए, ये इसकी बैक साइड है,
और देखिए ये इसकी साइड है और ये इसका फ्रंट है। तो चलिए गाइस अब इसके टॉप पर आते हैं। तो गाइस टॉप के लिए मैंने फ्रेम कट कर दिया है, देख सकते हो कार्डबोर्ड का ये, और बहुत ही मस्त तरीके से ये लगने वाला है। अब देखिए हाफ इंच मैंने बोर्ड एक्स्ट्रा का फ्रेंड्स यहाँ से बैंड करने वाला हूँ इस पर लगाने के लिए, इस पर रोकने के लिए। चलिए गाइस इसे रखते हैं साइड में और भाई इस पर आते हैं। तो भाई जोड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, जोड़ बहुत मजबूत होगा। चलिए हो गया। तो जॉइंट लगाने के लिए मैंने एक अलग से शीट और ले ली है, वो यहाँ पर लगा दे थोड़ा सा मार्क। तो लीजिए गाइस ये पीस अब कंप्लीट हो चुका है। जॉइंट काफी मजबूत लगता है, ऐसा आप लगा सकते हो और कितना इसका साइज बढ़ा सकते हो। पीला पीला हो गया, हम इधर से लगाएंगे। तो लीजिए गाइस ये वाला पार्ट भी तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पर मैंने सब जगह से बैंड कर दिया है, सेमियर देख सकते हैं बैंड कर दिया, और देखिए इस तरह का कुछ लुक ले रहा है। और मैंने इनमें यहाँ पर होल भी कर दिए जिस फ्रेंड मैंने स्क्रू से यहाँ लगा सकूँ। भाई ऐसे इजीली देखिए इस तरीके से लग जाएगा। चलिए मैं लगा ही देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो लीजिए गाइस कैसा लग रहा है, देखिए यहाँ मैंने देखिए स्क्रू लगा दिए हैं और इसे अच्छे से टाइट कर दिया है। उसका स्ट्रक्चर देखिए सेम टू सेम जैसे फ्रेंड्स मार्केट में आती है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए तो चले गाइस अब इसके बॉटम पर आते हैं, यानी फ्रेंड देखिए जो फेस है इस पर आते हैं। तो भाई बॉटम के लिए मैंने अलग से एक चीट और ले लिए, और देखिए इसके जो कॉर्नर देख सकते हैं 5-5 mm मैंने बैंड कर दिए, और यह देख सकते हो यहाँ पर मोड़ दिए हैं। और भाई देखिए ये हाथ नहीं काटेगा और बिल्कुल बेहतरीन लगेगा। तो चले गाइस फटाफट इस पर कुछ स्लॉट बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ मार्किंग की है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने 4-4 cm का गैप दिया है जो बोर्ड बनाया है। अब देखिए 1-1 inch के सारे यहाँ पर गैप है, और इसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने इसके बिल्कुल मिड में मार्क लगाया। देखिए सबके मैंने मिड में मार्क लगाया है। यहाँ पर दोस्त मैं बिल्कुल अलग टाइप की कुछ जाली टाइप की से बनाने वाला हूँ, जो कि फ्रेंड ज़्यादातर चिमनी में होती है, यानी वही काम करती है, जिससे फ्रेंड आप बाद में साफ भी कर सको और आपका जो फैन होगा इसके अंदर वो ख़राब भी ना हो। चलिए गाइस फटाफट इसकी हम कटिंग करते हैं, लेकिन इन्हें कट होने से पहले यहाँ पे देखिए जो 1/2 inch का मैंने बोर्ड बनाकर फ्रेंड इसे फटाफट थोड़ा सा बैंड कर लेते हैं, क्योंकि भाई कट होने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। तो लीजिए गाइस इसके बोर्ड अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से बैंड हो चुके हैं। चलिए गाइस अब यहाँ पर कटिंग शुरू करते हैं। तो लीजिए गाइस ये तैयार हो गया है, भाई काफ़ी मेहनत लगी है, और देखिए देखिए बिल्कुल न्यू डिजाइन। देखिए गाइस इसका फायदा क्या है, देखिए जब इसके नीचे हीट पड़ती है तो देखिए हीट यहाँ तक रुक जाएगी, क्योंकि फ्रेंड ऊपर जो फैन लगा होता है प्लास्टिक का, ये ब्लोअर लगा होता है प्लास्टिक का लगा होता है, तो फ्रेंड उस पर डायरेक्ट हीट नहीं पहुँचती, वो सीधा यहाँ पर धुआं खींचता है जो कि फोग होता है, और भाई वो निकाल देता है, ठीक है। तो भाई हीट यहाँ पर रुक जाएगी, और जितना भी तेल होगा ऑयल होगा फ्रेंड्स वो भी यहाँ रुक जाएगा, आप इसे निकाल के इजिली साफ कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा काम करती है। मैं चाहता फ्रेंड्स यहाँ पर कोई नेट कोई जाली लगा देता, लेकिन नहीं वो काम नहीं करती, जैसे चिमनी होती है फ्रेंड ऐसी मैंने बनाई है, ठीक है। तो चलिए गाइस फटाफट भाई से फिट करके देखते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो बहुत, देखिए गाइस बिल्कुल फिट आ रही है, देखिए बिल्कुल फिट, और यहाँ पे देख इस तरीके से कुछ लग रही है। अब आते हैं दोस्त इसके फैन पर, यानी कि ब्लोअर पर और इसके LED पर, क्योंकि गाइस जब इसके नीचे खाना बनता है तो काफ़ी आसानी रहती है, खाना विजिबल होना, हाँ भी अंदर क्या माल पक रहा है। तो गाइस एक तो मैं इसमें LED लगाने वाला हूँ, दूसरा मैं इसमें फैन लगाने वाला हूँ। तो भाई उन्हें ऑन ऑफ करने के लिए कुछ SPST स्विच का यूज़ करें, जो भी आपके पास स्विच हो आप उसका यूज़ कर सकते हो, मैं फिलहाल इनके यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखिए LED के लिए मैंने 3 holes कर दिए हैं, स्विच के लिए भी 2 holes कर दिए हैं। अब गाइस देखिए यहाँ से हवा लीक ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स जब हवा खींचेगा तो इस एरिया से खींचना चाहिए, ठीक है, यानी फ्रेंड्स हवा सिर्फ यहाँ से लेना चाहिए। देखिए यहाँ जो लीक है ना, छोटे छोटे होल रहते हैं या जगह रहती है, उनसे हवा नहीं लेना चाहिए, वरना फ्रेंड्स अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई इन्हें यहाँ पे एयर टाइट करना जरूरी है। तो गाइस यहाँ पे इसे सील करने के लिए मैं M-Seal का यूज करूंगा, ये बेस्ट है, हीट प्रूफ होती है, आराम से कहीं नहीं जाने वाली, और काफी मजबूत भी होती है। तो भाई ये हो चुकी है तैयार, और भाई फटाफट कर लोलू सा बनाते हैं।
देखिए इस तरीके से बस चिपका दो। तो लीजिए गाइस लग चुके हैं, एक बात का ध्यान रहे, देखिए मैंने सिर्फ यहाँ इस जगह लगाई है इन कोनों पर, इसके अंदर नहीं लगानी, सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ हम फैन लगा देंगे ये जो ब्लोअर लगाएंगे वो हम यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ से ब्लॉक होना चाहिए बस एरिया। तो भाई लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। चले गाइस लगे आप इस पर कलर भी कर देते हैं। वैसे तो आप कोई भी कलर का यूज कर सकते हो, वैसे फ्रेंड्स मार्केट से जो आप कंपनी से लगाए वो ज्यादातर ब्लैक कलर की देती है, तो चलिए हम भी ब्लैक कलर का यूज कर लेते हैं। और भाई इस पर मैं कर रहा हूँ ग्रे कलर, ये थोड़ा चमकीला तो अच्छा लगेगा। तो लीजिए गाइस ये सूख चुके हैं और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ रही है, देख सकते हो इस तरीके से। और चलिए इसके कनेक्शन पर आते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं स्विच लगा देता हूँ, देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं नन्हे मुन्ने से। और यहाँ पर लाइट के लिए मैं 3 LED यूज़ कर रहा हूँ जो कि हाफ वाट में है 5 वोल्ट की, और इन तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है, प्लस माइनस आपस में मिला दिए हैं, और देखिए प्लस है और ये माइनस है, ये निकला इसका इनपुट जो कि हम इसे 12 वोल्ट देंगे। और भाई यहाँ पे तीनों LED इस तरीके से लग जाएंगी और काफ़ी अच्छी इनकी रोशनी होती है। जैसे फ्रेंड्स इसे साफ करना हो आपको, इसे निकाल लीजिए और देखिए ये आराम से आप इसे क्लीन कर सकते हो। तो भाई ये तो होगी इसकी LED की बात, चले गए अब आते हैं इसके फैन पर। तो गाइस यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ भाई देखिए 120 mm यानी कि 12 cm एडजस्ट फैन, भाई बहुत इसकी पावर होती है। और देखिए अगर मैं इसके थोड़े से स्पेसिफिकेशन दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर देख सकते हो 12 वोल्ट DC है, 0.75 amp लेता है, ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता, जबकि फ्रेंड जो मार्केट से आते हैं वो 800 वाट, 400 वाट, 600 वाट, 1000 वाट अलग अलग वाट में होती है। ये पावर सेवर है, बिजली बचाएगा और काम भी पूरा करेगा। भाई इसे लगाना बहुत ईजी है, देखिए इस तरीके से देखिए बिल्कुल फिट हो गया, देखिए गाइस बिल्कुल ओके। और यहाँ पे इसे पावर देने के लिए मैं DC सॉकेट का यूज करने वाला हूँ। तो गाइस फटाफट इसके कनेक्शन और फिटिंग कर लेते हैं। तो गाइस कनेक्शन हो चुके हैं, कनेक्शन बहुत ईजी है, एक स्विच तो इसका है और एक स्विच फैन का है बस। तो चले गाइस फटाफट इसे LED को भी रोकते हैं, और LED को रोकने का जुगाड़ मैंने एक बनाया कुछ ना, टेप लगा देनी है ठीक है बस, जिससे फ्रेंड्स रुक रहे हैं। जैसे आपको साफ करना हो ये टेप हटाइए, LED निकालिए और ये अलग, आप आराम से वॉश कर सकते हो, जैसे तेल जम जाता है या धुआं जम जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, बस अभी इसे लगा देते हैं। लीजिए गाइस ये हो गया तैयार, देखिए आपकी चिमनी कैसी लग रही है आप देख सकते हो। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइए कैसा लुक आ रहा है और कैसी फिनिशिंग आ रही है। तो चले गाइस फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं, लेकिन भाई आप जानते फ्रेंड्स मैं रसोई में नहीं खड़ा हूँ भाई, मैं स्टूडियो में हूँ, तो यहाँ तो मैं रोटी बना के या आपको खाना बना के नहीं दिखा सकता, हाँ लेकिन टेस्ट जरूर करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स ये वर्किंग है या नहीं है। तो गाइस इसे पावर देने के लिए मैं DC सप्लाई का यूज़ करने वाला हूँ, और देखिए यहाँ मैंने लगाया सॉकेट और इसमें लगा दिया। सबसे पहले मैं आपको इसकी LED चेक करके दिखाऊंगा, देखिए मैं स्विच ऑन किया, देखिए काफ़ी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है, और मैं लाइट बंद करके दिखाता हूँ। तो चले गाइस इसे ऑन करता हूँ, देखिए बहुत अच्छी ब्राइटनेस है, और देखिए आप इसे जहाँ भी दीवार पर लगाओगे और देखिए आराम से खाना खा सकते हो, खाना बना सकते हो, कुछ भी टेस्ट कर सकते हो, यहाँ से बंद या खोल सकते हो, देखिए काफ़ी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है। तो गाइस लाइट तो आपने इसकी देख ली, अब इसके फैन की पावर भी देख लेते हैं। देखिए पहले मैं स्विच को ऑन करता हूँ, देखिए बहुत अच्छी एयर है, देखिए देख सकते हो मेरे बालों को ठीक है, और देखिए बहुत अच्छी इसकी एयर है, और देखिए मैं आपको इस पेपर दिखाता हूँ, देखिए 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 ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी इसकी एयर है। चलिए खैर इससे पता नहीं लगेगा, अभी थोड़ा सक्शन पावर इसकी देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं ले रहा हूँ धूप बत्ती, और भाई इसे थोड़ा सा जलाते हैं, इसमें धुआं काफ़ी निकलता है और इससे पता लग जाएगा, जो आपको क्लियर दिखाई देगा ना, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको खाना बना के दिखाऊंगा तो भी सही इतना क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा जितना इससे क्लियर आपको दिखाई देगा, क्योंकि फ्रेंड्स पता लगे भाई कैसा काम कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी इसकी धुआं है, काफ़ी अच्छा इसका धुआं है। तो चलिए गाइस मैं इसके ऊपर रखता हूँ, देखिए अब देखिए धुआं कहाँ से निकलेगा, देखिए गाइस देखिए सारा धुआं देखिए कैसे खींच रहा, देखिए देखिए सीधा ऊपर, देखिए इधर उधर कहीं भी धुआं नहीं जा रहा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए बिल्कुल साफ आप देख सकते हो, देखिए फोग बिल्कुल डार्ट्स के अंदर जा रहा है, देखिए मैं इसे बंद करता हूँ, देखिए अभी बंद हो जाएगा, देखिए देखिए अभी देखिए इधर उधर देखिए इधर उधर धुआं देखिए होने लगा है, ठीक है देखिए आप खुद ही देख सकते हो, देखिए धुआं कैसे इधर उधर जाने लगा है। अब देखिए ऊपर देखिए फ्रेंड एकदम से सारा धुआं निकलेगा, देखिए देखिए ऊपर देखिए देखिए एकदम सारा धुआं आ रहा है, देखिए देखिए कैसे खींच रहा है, देख सकते हो बिल्कुल एक लाइन बन गई, बिल्कुल सीधी रो बन गई जो फ्रेंड बिल्कुल इसके अंदर जा रहा है, यहाँ पे से लाइट जला सकते हो, देखिए
ठीक है ना। तो गाइस इस बार मैंने थोड़ा धुआं और क्रिएट करने के लिए ज्यादा धूप बत्ती रख ली है और मैं इन्हें भी जलाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से पता लग जाए, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी फेक चीज नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल रियल पता होनी चाहिए। अब देखिए गाइस यहाँ पर धुआं सारा फैल रहा है, देखिए देखिए अब मैं आ रहा था, अब देखिए ऊपर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एकदम से धुआं कैसे खींच रहे, देखिए स्विच ऑन करता हूँ, देखिए अब देखिए गाइस देखिए चारों चालों देखिए कैसे बिल्कुल इक्वल देखिए लाइन बनकर चला है, देखिए और कितना अच्छा लग रहा है, देखिए और ऊपर देखिए सारा का सारा धुआं बाहर निकल रहा है। तो इस तरह फ्रेंड्स ये काम करेगा और सारा का सारा एग्जॉस्ट जो कि धुआं होगा बेकार होगा वो बाहर निकल जाएगा पाइप के थ्रू। आप यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए पाइप लगा सकते हो, देखिए इधर से भी कर सकते हो, इधर से कर लीजिए या इधर से कर लीजिए, देखिए अब आपको कि समर यार ये तो ऊपर को खींच रहा है, मैं ऊपर को तो खींच लेगा, चलो भाई मैं साइड पर देख लेता हूँ, देखिए देखिए गाइस देख रहे हो, चलो मैं आग रखता हूँ, देखिए देखिए भाई अब तो कोई फेक नहीं है, देखिए गाइस साइड में साठ हो जा रहा है, ऊपर हल्का सा भी धुआं नहीं जा रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर खींचते हुए, देखिए। तो गाइस देखिए अभी मैंने इसे बंद कर दिया है, अब देखिए धुआं कैसे जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पर, अब मैं इसे चालू करूंगा धुआं इसके अंदर जाएगा, देखिए स्विच ऑन करता हूँ, देखिए सारा इसके अंदर जा रहा है, तो कितनी अच्छी इसकी सक्शन पावर है और काफी भाई मजा भी आ रहा है। गाइस इसे इंस्टॉल करना बहुत इजी है, यहाँ पर मैंने होल कर दिया बैक साइड में और आप इसे आराम से किसी भी कील पर यहाँ पर लगा सकते हो और आराम से इसके नीचे खाना बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा मजा आया निवानी। रसोई में लगी भी काफी अच्छी लगेगी, आप खुद ही इसका लुक देख सकते हो, तो प्लीज दोस्तों जरूर बताएं आपको कैसा इसका लुक लग रहा है। और गाइस यहाँ पे एडजस्ट के लिए आप 110 mm का पीवीसी का पाइप लगा सकते हो या अपने हिसाब से सब मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स जो एल्युमिनियम का पाइप आता है काफी महंगा आता है भाई, ठीक है पीवीसी का पाइप काफी सस्ता भी पड़ेगा और आराम से आप इसे एडजस्ट के लिए घर से बाहर किचन से बाहर लगा सकते हो और आराम से सारा का सारा फोग धुआं निकल जाएगा, आपकी जो किचन है वो बिल्कुल क्लीन एंड सेफ रहेगी। और फ्रेंड्स मेरी तरफ से डन है, आप इसे बना सकते हो, जैसे कि पढ़ने वाले बच्चे बाहर जाते हैं किसी की छोटी सी रसोई है आप उसमें से लगा सकते हो, ये फ्रेंड्स मैंने छोटी बनी है आप इससे बड़ी भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, भाई इसे बनाने में 2-3 दिन मुझे लग गए हैं, देखना आपको सिंपल लग रहा होगा, तो प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर करें आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, बंद कर देते हैं पूरे स्टूडियो में धुआं ही धुआं हो गया।